तो वेलकम 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 बैक दोस्तों, वेलकम टू माइनक्राफ्ट जावा एडिशन सेकंड एपिसोड ऑफ सर्वाइवल सीरीज गम 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 बम चिकी चिकी बम। ओके बहुत मजाक हो गया। तो गाइस आ चुके हम लोग जावा एडिशन के एक और सेकंड एपिसोड में, और आज वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि गाइस आज वाले एपिसोड के अंदर हम लोग बहुत कुछ करने जा रहे हैं। जैसे गाइस आप सभी लोगों को याद होगा, पिछले वाले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने 6 डायमंड ढूंढे थे एंड अपने पास आ गए थे 6 डायमंड, एंड मैंने उनमें से एक डायमंड की पिकेक्स बना ली एंड थोड़े ऑब्सीडियन माइन करे, उसमें से 14 ऑब्सीडियन मैंने माइन करे, एंड ये जो 14 ही है ब्लॉक ऑफ कोल, चूँकि भाई मेरे पास कोल बहुत ज़्यादा हो गया और सामान भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसलिए आज मैं सोच रहा हूँ आज मैं अपने घर बनाऊँगा, लेकिन घर में ऐसा वैसा नहीं बनाऊँगा, आज मैं एक ट्री हाउस वाला घर बनाऊँगा। वैसे मुझे पता है कि ट्री हाउस वाला घर ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन थोड़ी कोशिश करें कि अच्छा घर बना पाए। लेकिन सबसे पहले हमें बनाना है एक चेस्ट, तो मैंने यहाँ पे 2 चेस्ट बना लिए, तो जल्दी से इन 2 चेस्ट को ले लेते हैं एंड यहाँ पे अपना सामान हम रख देंगे अच्छे से, जब तक घर नहीं बनना है जब तक इसके अंदर सारा सामान रख देते हैं फालतू का, जैसे कि ये 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 और रेस्टोरेंट में बहुत सारे लाया था, एंड कोल की बिल्कुल भी कमी नहीं है, आयरन तो चाहिए भाई, आयरन को तो स्मेल करना है हमें। तो मैंने सारा सामान अंदर रख दिया एंड जल्दी से हम बना ले थोड़े ब्लॉक ऑफ कोल से थोड़े से कोल, एंड अभी देखते भाई कितने कोल मिल पाते। वैसे मैंने बहुत सारी कोल की माइनिंग करी थी एंड अपने पास 2 स्टैक से भी ज़्यादा आ चुके हैं, 2 स्टैक से ज़्यादा ही है। और जल्दी सबसे पहले यहाँ पे हम रखेंगे ब्लास्ट फर्नेस जो भी होता है इसको यहाँ पे, और इसको खाना यहाँ पे बनाएंगे एंड जल्दी से ब्लास्ट फर्नेस से भी हम कुछ बना लेते हैं। और एक मिनट, ये यहाँ पे लाओ और इसको यहाँ पर रखो। जैसे मेरे ख्याल से एक स्टैक से तो पूरा बन जाना चाहिए ये 45, जब तक ये बन रहेगा जब तक हम थोड़े वुड की माइनिंग करेंगे एंड थोड़ा स्केलेटन फार्म में हम थोड़ा गौर करके लाएंगे। वैसे मैं थोड़े शुगर कैन बनाने हैं मुझे, अरे कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, होता रहता है ये गाइस, थोड़ा हैंग हो रहा है यार मुझे, थोड़े कंट्रोल समझने की थोड़ी देर लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, कंट्रोल हम सीख जाएंगे। जल्दी सबसे पहले यहाँ पे थोड़े शुगर कैन लगा देता हूँ एंड एक मिनट भाई गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को याद होगा लास्ट वाले एपिसोड में हमें स्केलेटन का फार्म मिला था एंड मैं सोच रहा हूँ थोड़ा स्केलेटन के फार्म में थोड़ी बोन लेके आ जाऊँ, क्योंकि यार आज के एपिसोड में मैं एक एंशेंटमेंट टेबल भी बनाऊंगा एंड थोड़ी बुक भी बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले यार थोड़ी ट्री की माइनिंग करनी है मुझे, एंड ट्री की माइनिंग नहीं, ट्री की थोड़ी चॉपिंग करनी है, और उससे हम एनिमल का फार्म भी बनाएंगे एंड मेरे पास फिर से सीड आ गया यार। देखो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल स्पून हो जा रहे हैं, देखो भाई पूरा एरिया जो है ना एकदम खुला है, मतलब जावा एडिशन में होता है ऐसा, ऐसा उसमें नहीं होता है, क्या कहते हैं, हाँ पोको एडिशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो थोड़े वुड चॉप कर लेता हूँ मैं, थोड़े से फेंसिस बना लेंगे हम एंड मेरे पास बेड नहीं है क्या, हाँ बेड की बहुत ज़रूरत है गाइस, यार बेड बिना लिए घूमना नहीं चाहिए मुझे। सबसे पहले गाइस बेड लेके आ जाते हैं हम, गाइस इतनी देर हो गई मैंने यहाँ पे घूमते हुए, बस मैंने 2 सीप मारी है भाई एंड मुझे जो तो 3री सीप है भाई वो बिल्कुल नहीं मिल रही है। चलो कोई बात नहीं यार, बेड की तो ज़रूरत थी वैसे भी मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे भी सर्वाइव कर लेंगे। तो गाइस हमारे सारे आयरन स्मेल्ट हो चुके हैं एंड जल्दी से अपने आयरन ले लेते हैं हम भाई, लेवल भी हमें मिल चुकी है। और कितने आयरन स्मेल्ट हुए मेरे, मतलब कितने कोल हुए, हाँ चलो थोड़ा खाना भी ले लेते हैं एंड इनको रख देते हैं अंदर। तो गाइस सबसे पहले मुझे बनानी है एक शेयर, चूँकि भाई आज मैं बनाऊँगा एक ट्री हाउस वाला घर, क्योंकि भाई बहुत ही ज़रूरत है मुझे उसकी एंड मेरे हाथ में टॉर्च नहीं है यार, ये तो गलत बात है, टॉर्च होनी चाहिए अपने हाथ में। ओके गाइस मुझे फाइनली वही वाली के मिल चुकी है एंड अभी जा रहा हूँ मैं स्केलेटन के स्पोनर के पास। यहाँ पे मेरा सारा फालतू सामान था ना, हाँ ये मेरे सारे फालतू सामान है, मैं इनको किसी दिन लेके आ जाऊँगा, लेने आ जाऊँगा एंड जल्दी सबसे पहले हम चलते हैं स्केलेटन के स्पोनर के पास। आज मैं ये वाला स्पोनर नहीं बनाऊंगा, आज मैं बनाऊंगा एक स्केलेटन का स्पोनर, क्योंकि भाई स्केलेटन से हमें बोन मिलेगी एंड अगर हमें जब बोन मिलेगी तो भाई समझ रहे हो ना, तो फिर यार खेती करने में सबसे ज़्यादा आसानी होगी। तो यहीं कहीं था ना, कहाँ पे देखा था मैंने, हाँ यहीं देखा था। और मुझे उसके लिए ब्लॉक्स चाहिए, ब्लॉक्स तो है नहीं मेरे पास, बस ये थोड़े से वुड्स है मेरे पास। क्या कर सकते हैं, यही वुड लगा देते हैं। मैं बाद में हटा दूंगा गाइस इन ब्लॉक्स को, वैसे मुझे पता है मुझे स्टोन लगानी चाहिए भाई, सही है, बच गया गाइस, बच गए। एंड अभी इस चेस्ट के अंदर क्या क्या भाई देखते, एक नेम टैग है, एक स्ट्रिंग है, बाकी और भाई सब आयरन हॉर्स आर्मा भाई, बढ़िया सब बढ़िया ही है। मैं भाई डायरेक्ट वो क्यों ले रहा हूँ, पहले इसके अंदर चेक करता हूँ। ओ बोन मिल गया गाइस, बोन, एक मिनट में बोन की बहुत ज़रूरत है और थोड़े वीट की भी ज़रूरत है यार, एनिमल का थोड़ा जुगाड़ हो जाएगा भाई। चलो बढ़िया सब ले लेता हूँ मैं। और यार सैडल मिल गई भाई साहब, सैडल तो भाई बहुत ही बढ़िया है, सैडल भी ले लेते हैं हम। वैसे मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लेता हूँ मैं, जब मुझे पता है मुझे पूरा चेस्ट तोड़ना है, चेस्ट तोड़ भाई वेस्ट तो पूरा। ओके तो जल्दी से हम बनाना शुरू करते हैं अपने स्केलेटन का स्पोनर, कहाँ से बनाना शुरू करें एंड सबसे पहले भाई मुझे करना क्या है, यहाँ से थोड़े 4 ब्लॉक पीछे ले जाने हैं। गाइस मैं बच गया, फाइनली मैं बच गया। ओके मुझे पता था ऐसा होगा, अभी तो मैं शायद बना नहीं पाऊँगा, चलो कोई बात नहीं बनाएंगे हम। वैसे अभी मैं जल्दी से जितने भी मुझे सामान मिलेगा वो अपनी चेस्ट में सुरक्षित रख के आ सकता हूँ। एंड एक मिनट, मेरे पास ये आ गई तो मतलब मुझे वूल मिल सकता है एक और, मुझे पता था। तो गाइस अपना काम तो हो चुका है यार, बेड बन जाएगा अपना,
वो मेरा क्राफ्टिंग टेबल, यार क्राफ्टिंग टेबल नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं बना लेंगे हम क्राफ्टिंग टेबल। एंड क्राफ्टिंग टेबल लिया हमने, चलिए से बेड बनाते हैं फिर से। यार ये सेकंड हैंड की जो टॉर्च है बार बार लगती क्यों है यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता रहता है इतना कि फाइनली हमारा बेड आ गया। वैसे मुझे पता नहीं यार मेरा वाला जो बेड है वो कहाँ पे हो गया, कहाँ पे खो गया यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। गैस हाथों हाथ हम थोड़े वुड भी तोड़ लेते हैं भाई, वुड की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं यहाँ से गैस थोड़े से कितने वुड तोड़ सकता हूँ, मैं पूरा एक स्टैक वुड तो लेके जाऊँगा क्योंकि भाई आज बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है वुड की। गैस ये वाला जो पेड़ है भाई यार बहुत ज़्यादा बढ़िया यार, यार मतलब ये ऐसा पेड़ है यार, मतलब ये पॉकेट में मैंने आज तक नहीं देखा, बस जावा इसमें मैं पहली बार देख रहा हूँ ये वाला पेड़। मतलब वैसे नहीं होते जैसे होते रियल वाले। अरे अब मैं इसको तोड़ूँ कैसे, यही लगानी पड़ेगी मुझे ख्याल से बस। अरे ये क्या हो गया था, ये जावज के अंदर गाइस बहुत ही गिलीच होती है, मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी है मेरे लिए। कितने वोट हो गए, 63, कोई बात नहीं 64 ही कर लेते हैं हम। वो थोड़े से ये जो लीव्स है ये भी लेके चलते हैं भाई, क्योंकि ट्री हाउस बनाना है ना मुझे गाइस। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे ट्री हाउस बनाना चाहिए क्या, क्या बनाना चाहिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे आज मैं ट्री हाउस बना रहा हूँ, आप लोग बताना मुझे कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि यार ये जो पेड़ है भाई सामने वाला ये बहुत बढ़िया है, इसके अंदर मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ बड़ा सा कुछ बढ़िया बना सकता हूँ। एंड ये मैं समझ रहा मैं न्यू क्यूबिस्ट की नकल कर रहा हूँ भाई, उनके जगह जैसा बनाऊँ तो जब बोलना। वैसे ये पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मैं कैसा बनाऊँ घर कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसा घर बनाना चाहिए मुझे। वैसे मैं इतने सारे वुड वेस्ट तो नहीं करूँगा, सबसे पहले मुझे फैंसिस चाहिए, थोड़े फैंसिस बना दे गाइस। लेकिन उससे पहले जो भी कबाड़ा लाया हूँ ना मैं इन सब कबाड़े को अंदर रख दूँ। तो गाइस अपने पास है 10 पौन, तो 10 पौन से तो एक काम हो सकता है कि हम शुगर कैन बहुत सारे उगा सकते हैं। ओके तो थोड़े से शुगर कैन तो उगा ही लेते हैं। ओके तो अपनी एडवांसमेंट खुल गई है बोन मील वाली, या मैंने राइट क्लिक क्यों दबा दिया, आ जा गाइस। मैं कुछ ज़्यादा पीसी वाली वो बोली नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने राइट क्लिक दबा दिया, मैंने शिफ्ट दबा दिया, ऐसा मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ फिर से। अच्छा मुझे ना ये SEC दबाना है क्या, आई डोंट नो गाइस पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। गाइस आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड जल्दी से अपना घर बनाना शुरू करते हैं, वैसे अगर मैं ट्री हाउस बनाऊंगा तो यार वैसे ही सीन हो जाएगी जैसे कि सब लोग कहेंगे भाई तू तो न्यू क्यूबेस की नकल कर रहा है, तो अपने मन मर्ज़ी का ही हाउस बनाता हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है यार, अपनी मर्ज़ी का ही हाउस बनाऊँगा मैं। और जो मेरा हाउस होगा वो थोड़ा बेकार होगा, नहीं कोई बात नहीं बेकार भी चलता है, क्या करता। चलो 4 स्टैक तो अपने पास बुढ़ा चुके हैं, और अपने जो घर बनाएगा कहाँ पे बनेगा नहीं कि सबसे पहले मुझे एक शोवल बनानी पड़ेगी, शोवल मेरे पास बिल्कुल नहीं है ना, मुझे आधे चाहिए। ओके तो शिफ्ट दबाओ बना लो थोड़े से, वो भाई कितने बन गए यार ये, अच्छा 1 के 3 बनते हैं ना, तो गाइस अभी तो बहुत सारे बन चुके हैं अपने पास फैंसिस। एंड अपना जो घर है भाई बहुत ही अच्छा लगने वाला अभी, तो यहीं कहीं मुझे जानवरों का जो भी होता है मैदान बनाना है, लेकिन ये मैं डर ढकना भूल गया भाई। तो फाइनली इतना ढक चुका हूँ मैं, एंड अभी बनाना है मुझे गाय भैंसों का। अबे ये ना बहुत हो रहा है, मेरे पास पानी है नहीं, पानी नहीं मेरे पास। अच्छा तो कहाँ बनाऊँ मैं गायों का, ये तबेला यहीं पे बन जाएगा, तबेला यहीं पे, यहीं का तबेला बनाना चाहिए मुझे। ओके तब ये घास पहले काटनी पड़ेगी भाई, बहुत ही घास होती है यहाँ डिजाइन के अंदर, तो बनाना शुरू करते हैं। ओके तो मैं अभी जानता हूँ गाइस, मैंने अभी थोड़ा सा बहुत वैसा बनाया है लेकिन कोई बात नहीं हो जाएगा। एंड स्टेयर भी तो बनानी थी मुझे, क्राफ्टिंग टेबल मेरा यहीं पे होगा, हाँ ये रहा। तो जल्दी से थोड़ी स्टेयर्स बनाते हैं, स्टेयर्स की रेसिपी क्या होती है वैसे मुझे पता तो है, लेकिन जब भी मैं ना ऐसे बना लेता हूँ ऐसे जल्दी हो जाएगा, अपने हाथों से ही बना लेता हूँ, बार बार रेसिपी के पास ही जाना पड़ रहा है मुझे। ओके आ गई ना, आ जाए यार। ओके अरे यार बहुत हो कन्फ्यूज, अरे छूट जा तू मेरे हाथों से, देख रहे हो गाइस देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, मतलब कि यार ऐसे ऐसे सीन होते हैं ना मेरे साथ, मैं क्या बताऊँ। स्टेयर्स भी बनानी थी मुझे बहुत सारी, अरे यार बहुत ही कबाड़ा सीन है, स्टेयर बनाने के मेरे पास सीढ़ियाँ है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी तलवार ना, तलवार का जो गाइस आएगा ना मुझे हटाना पड़ेगा, बस इतनी चाहिए मुझे। ये सब कबाड़े तुम ऊपर हो जाओ यार, देखो इन कबाड़ों को मैं जल्दी से ऊपर कर दूँ, हो जाओ भाई कबाड़े ये सब ऊपर, कि अगर अभी मुझे बाहर निकलना होगा तो मैं ही बाहर निकल पाऊँगा, ये जो जानवर ये बाहर नहीं निकल पाएगा। वैसे थोड़ा थोड़ा न्यू क्यूबिस्ट वाला भाई लग रहा है वर्ल्ड, लेकिन वैसा नहीं बना रहा मैं। अब जल्दी से मैं थोड़े गाय भैंसों को लूर करके आना होगा भाई, देख रहे हो जब मैं गाय भैंसों के लिए मैंने तबेला बनाया, यहाँ पे एक गाय भैंस भी नहीं दिख रही, नहीं दिखी शायद, वो गाय है ना, अरे हाँ वो गाय है, दोनों गाय वहीं पे स्पॉन हुई हैं। एक मिनट जल्दी से गाइस मैं थोड़ी सी वीट लाता हूँ, वीट है मेरे पास नहीं, वीट लेके आता हूँ जल्दी से, वीट कहाँ पे, ये रहा वीट, जल्दी से चलो भाई जल्दी, थोड़े से गाय भैंस जल्दी, गाय जल्दी भाई हुए जल्दी लेके आने गाय भैंसों को,
ओ भाई कितना दूर बनाया मैंने ये तबेला। नहीं कोई बात नहीं, धीरे धीरे अच्छे से होता जाएगा। और गाइस जो मैंने ये लगा रखे ना, मैं थोड़ी ड्रीम की वो प्रो वाली स्किल यूज़ कर रहा था तो हो गया था। भाई यहाँ पे घास से कितनी है ना यार, गाइस देख रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं रियल जंगल में आ गया। आओ 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 जल्दी आ जाओ आ जाओ, वो पकौड़ी तेरी भैंस की थोड़ी, आ जा आ जा आ जाओ, पकौड़ी हो तुम्हारी बना रहा हूँ मैं, जोड़ी हो। अरे क्या कहती मैंने, मतलब कुछ भी कह देता हूँ मैं। आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ तुम्हारे लिए सब आ जाओ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट गाइस, जब मैंने लाइव स्ट्रीम में जावेदन खेला था तो उस पर मैंने बोन मिल बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर ली थी, तो ऐसा तो नहीं है कि ये बोन मिल ये जो है शुगर केन में आती नहीं है, इस्तेमाल ही नहीं होती है। आप लोग गाइस जरूर जरूर कमेंट बताना, जरूर बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों। आ जाओ मेरे बच्चे आ जाओ, आओ आ जाओ आओ आओ आओ, हाँ बस 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 लो खाओ, तू भी खा खा लिया। एडवांसमेंट खुल गई गाइस, एडवांसमेंट खुल गई, फाइनली एडवांसमेंट खुल गई यार, बड़ा मज़ा आ गया। चलो शुक्र गाइस, गायों का तबेला तो बन गया, अभी ये और खाएगा नहीं, ये रिफ्रेश नहीं है तुझे दे सकता मैं। बच्चे बच्चे तू खाएगा, ये खाएगा, सारी वीट तो ख़त्म कर दी इस बच्चे ने। बोलिए थोड़ी और खेती भी करते हैं, खेती में कहाँ पे करूँ, ओ ओ कहाँ पे, वे जगह तो अनलिमिटेड है, कहीं पे भी मैं खेती कर सकता हूँ। मैं खेती का इस अपने दिमाग से कहीं और करने की कोशिश करूँगा, कहाँ करनी चाहिए, नहीं कर तो लेगा खेती। गाइस धीरे धीरे तो अपने सुर के जो है वो बड़े तो हो रहे हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे इनको फैलाता रहूँगा अच्छे से। आ जाओ आ जाओ बच्चों, आ जाओ आयरन आ जाओ भाई, थोड़ी सी क्या, एक होई बनानी है हमें, एक होई बना देगा जल्दी से। होई की रेसिपी कुछ ऐसी होती है ना, हाँ ऐसी ही होती है, तो थोड़ी होई बनाते हैं थोड़ी, फिर से भैंस की। और मेरे पास सीट गाइस कितनी है मुझे एक बार चेक करनी है। गाइस मेरी जो वीडियो भाई वो 32 मिनट की हो चुकी है भाई, मेरी वाली सीरीज़ बहुत लंबी खींच रहा हूँ पता नहीं क्यों यार। आप लोग मेरी वीडियो देखते हो गाइस तो बताना, गाइस आप लोग मुझे ये बताओ मिनिमम आप लोग मेरी कितने मिनट की वीडियो देख सकते हो, ऐसा अगर मैं बोनविल सेकेंड हैंड में पढ़ूँ। ओके ठीक है ओके, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ, अरे भैंस की यार मैंने क्या कर दिया, अगर ये बोनविल इसमें उग रही है तो इसमें क्यों नहीं उग रही है, वाई यार गाइस वाई। चलो कोई बात नहीं यार, हम गाइस खेत अपने यहीं पे बनाएंगे यहीं पे, हाँ तो आज सीट भी ले गए हम, निकलो यहाँ से निकलो यहाँ से, तुम भी निकलो। थोड़ी बड़ी तो नहीं बना सकता मैं, लेकिन जितनी हो रही है खेत की भी सीट खुल जाएगी अपनी। बस थोड़ी और मजदूरी करनी है, बाद में धीरे धीरे अच्छे से हो जाएगा। हो गई एडवांसमेंट कम्प्लीट, कोई बात नहीं हो रही है धीरे 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 गाइस, मैं सीख जाऊंगा कि भाई कैसे सीड लगाते हैं कैसे कैसे करते हैं, सब सीख जाऊंगा मैं धीरे धीरे। और गाइस आप लोग बता नहीं कि आपको जावेदन वाली मेरी ये कैसी लगी सीरीज़, और यहाँ से अगर ये बढ़ रहे तो भाई वो क्यों नहीं बढ़ रहे, समझ में नहीं आ रहा मुझे ना, ये ऑटो जब ना भाई कैंसिल करनी पड़ेगी, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है, होता होगा यार गाइस आप लोग बताना। और गाइस बहुत बहुत शुक्रिया जो अपना माय प्लेफिस चैनल भाई वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है यार, आप लोग भाई हर एक दिन में एक सब्सक्राइबर दे रहे हो भाई यार, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, थैंक यू भाई। अच्छा बोन मिल ख़त्म हो गई मेरी, कोई बात नहीं थोड़े से वुड भी ले लेते हैं, वुड नहीं थोड़ी सीड ले लेते हैं। अब मछलियाँ भी हैं यहाँ पे गाइस, वैसे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है जावेदन खेलने में। गाइस आप लोग मुझे बताओ कि मैं इस सीरीज़ को लंबी खींचूँ क्या नहीं, मतलब जो मैं ये 18 मिनट की मतलब मेरी जो पुरानी वाली सीरीज़ थी मतलब इसका जो फर्स्ट एपिसोड था इसका 18 मिनट का मैंने बना के डाला है। आप लोग बताओ कि आप इतनी बड़ी वीडियो देख सकते हो, अगर आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख पाए जबी तो आप लोग बताओगे, पता ना गाइस आप लोग देखते हो मेरी वीडियो, तो मुझे समझ में आ रहा है इस पर। अरे वाह यार ये सुपर कैन कुछ ज़्यादा ही ग्रो जल्दी ग्रो नहीं हो रहे, इसे सैंड में लगाना चाहिए। ओके अभी 10 हो रहे हैं अपने पास, थोड़ी 10 और करते, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात, क्या मैं इसको सेकंड में पकड़ सकता हूँ, हाँ 8 9 10। ओके तो अपनी ये जो खेती है धीरे धीरे होती रहेगी। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड क्लीन करने के लिए। मैं ना गाइस एक काम होता हूँ, मैं ट्री हाउस बनाता हूँ, आप लोग कमेंट में चाहे मुझे हेड दो, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, तो मैं तो बनाऊँगा भाई फैंस है अपने पास, हाँ फैंस है थोड़ा सा ना अपने घर के आसपास में थोड़ा वो लगा देता हूँ। ये मेरा घर है इसके आसपास, या मैं पूरा न्यू क्यूबेस्ट वाली नकल कैसे कर रहा हूँ यार, वैसे पूरी नकल तो मैं करना नहीं चाहता, नहीं क्या करूँ मैं, अगर गाइस मैं ऐसा करूँगा तो यार कोई भी मेरी वीडियो देखेगा नहीं और लोग कहेंगे भाई तू तो न्यू क्यूबेस्ट की नकल कर रहा है, तो मैं करता ही नहीं हूँ ऐसा। कहीं मेरी गाय भैंस शायद रिफ्रेश हो गई होगी, तो जल्दी से मैं उनको थोड़े से वो दे के आता हूँ, वीट वगैरह खिला के आता हूँ, और ऑफलाइन में थोड़े शीप का भी बना लूँगा, लो भाई खाओ, और तू बड़ी हो जा भूस ले सब। ये भूसने की अभी तक बड़ी नहीं हुई, सारे भूस गई है। और मैंने अभी तक कितनी एडवांसमेंट कंप्लीट कर ली और कितनी करनी है मुझे एक बार चेक करूँ मैं। ओके क्या है एडवेंचर एक्सप्लोरियन
एंड कॉम्पैक्ट ओके, किल वन एवरी हॉस्टाइल ओके, ये क्या है, किल माय मॉन्स्टर जो भी है, शूट समथिंग विद अ एन एरो, अच्छा ओके, सक्सेसफुली ट्रेड विद अ विलेजर ओके, सब है भाई, सारी सीट कंप्लीट करनी है, मतलब सारी एडवांस में कंप्लीट करनी है, ये क्या है, एडवेंचर टाइम, एडवेंचर टाइम ओके। तो गाइज आज वाले एपिसोड शायद सफल हो चुका है अपना, तो गाइज आज वाले एपिसोड के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, और आप लोग मुझे बस बताना कमेंट में कि और मुझे क्या करना चाहिए इसके अंदर। वैसे आज वाले एपिसोड के अंदर हमने बहुत कुछ कर लिया, हमने शुगर केन की खेती कर ली, हमने अपना खेत बना लिया, हमने अपना एक वो बना लिया गाय का तबेला, एंड मैं थोड़ा ऑफलाइन यहाँ पे अपना एक घर बनाऊंगा, और आप लोग मुझे बताना कि मैं कैसा घर बनाऊँ, ट्री हाउस वाला घर बनाऊँ क्या, मैं वैसा घर बनाऊँ जैसा होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।